दूसरी बात ये कि सॉरी मेरा दूध खत्म है, थोड़ा दूध भी लेता हमारा बिरयानी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। किस्सा देखने के लिए कि आसिम साहब का बिरयानी के साथ क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर हम आपको दस्तरखान भी मिलते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी नमार रियाज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी तो आज के व्लॉग करते हैं शुरू। अभी सीन ये है कि अभी यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं आया था तकरीबन 6 बजे ऑफिस से, और अभी मैं आके थोड़ी रेस्ट की। अभी जो मेरी आप हालत देख रहे होंगे थोड़ी सिरफ हुई है, दाढ़ी भी शेप बोल रहा हूँ मैं, तो शेप आज तक नहीं कभी करवाई, हद कराता हूँ, तो हद कराने वाली हुई है, वो भी कराएंगे आज। और उसके बाद जो है आज है जुमेरात, तो जुमेरात हमारा वीकेंड होता है क्योंकि जुमा होती है हमें छुट्टी। तो अभी हमारे बाकी दोस्त तो नहीं आए, वो आएंगे 7:30 बजे, तो 7:30 भी बस होने वाले हैं और उनका करते हैं वेट। तो मैं आया आके रेस्ट की, थोड़ी घर से कॉल आ गई, घर बात की, और अभी उठा हूँ तो अभी उनका वेट कर रहा हूँ, तब तक होते हैं फ्रेश और वो भी आ जाते हैं, फिर हमारा जो अगला प्लान है वो आपके साथ शेयर करेंगे हम क्या करते हैं। लेकिन हो सकता है आज हम बिरयानी बनाएं, जुमेरात है क्योंकि जुमेरात को मोस्टली हमारी फेवरेट बिरयानी बनती है, और बिरयानी स्पेशलिस्ट हमारे आसिम साहब, वो आएँगे और वो ही बनाएँगे और वो भी आपको दिखाएँगे। जी तो एक और ख़ास बात कि हमारे भाई, हमारे बड़े अच्छे दोस्त अतीक साहब, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान वेकेशन पे गए हैं। अतीक साहब सलाम अलैकुम, आप ज़रूर व्लॉग देखेंगे और हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं और मिस करेंगे जब तक आप वापस नहीं आते। तो आई होप सो आप खैरियत से पहुंच चुके होंगे और ठीक होंगे, फैमिली में होंगे, तो अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और खैरियत से लेके आए, जिस मकसद के लिए गए हैं उस मकसद में कामयाब हो गया है। और बात यह है कि अभी हम वेट करते हैं दोस्तों का, बाकी आते हैं तो फिर हम आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो ये रूम है खलील साहब और बाजवा साहब का, और सामने आसिम। हाँ जी आसिम साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आ गए हैं। हाँ जी खलील साहब, बस फोन पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गए अभी। अच्छा अभी क्या सीन है खाने का? अभी सीन खाने का ये है कि इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे जुमेरात। अच्छा, और फिलहाल बाजवा को भेजा उधर लाने के लिए, क्या नाम है उसका, चिकन। बाजो दही लेने गया है? दही लेने गया, खीरे वीरे ये लेने गया है। तो इंशाल्लाह जब वो आएगा तो तब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, बाद में आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो एडी साहब अभी ड्यूटी पे हैं, वो पैसों के पीछे लगे हुए हैं, वो सिर्फ कमाने के चक्कर में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और कुछ नहीं, वो आएगा इंशाल्लाह 10:30-11 बजे आएंगे। बहुत लेट आ रहा है आज का, बहुत तकरीबन 7 घंटे माशाल्लाह और टाइम लग रहा है उसका। तो 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएगा। मैंने तो उसको कहा कि भाई तू रात को आता 10:30 बजे, उससे बेहतर है तू ऑफिस ही सो जाए, अगर सुबह फिर जो जाना होता है फिर सुबह जाएगा 6 बजे। चलो जी, हाँ अभी हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बात नहीं, उधर चले जाओ किसी, एक तो जाओ मस्जिद में नमाज का टाइम है, नमाज भी पढ़ लो, दूसरा किसी हाजी साहब को पकड़ लो पाकिस्तानी को, उसके साथ गपशप भी लगा और ये भी लेके आ जाओगे। और दूसरी बात ये कि सॉरी मेरा दूध खत्म है, थोड़ा दूध भी लेके आओ। भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शुक्रिया। चावलों को भगो दिया गया है, आगे मसाला तैयार हो रहा है, प्याज फ्राई होने के लिए रखे गया है, ये है जी टमाटर और मिर्ची, और ये है चिकन, चिकन को धो दिया गया है, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसमें डाल दिया है। और अभी हमारे साथ है आसिम साहब और हम हैं इनके साथ को शेफ, तो अभी हम बनाएंगे बिरयानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आसिम साहब कैसे हैं? तो आज जैसा कि आपको पता है कि जुमेरात है, और जुमेरात को सऊदी अरब में हमेशा बिरयानी डे होता है, तो हम माशाल्लाह ये देखें बिरयानी बना रहे हैं, ये टमाटर अभी काटे हुए हैं, ये चिकन बंद है, आगे चावल रखे हुए हैं, और देगचा रेडी है, उसमें हम मिक्स करेंगे। तो बना रहे हैं माशाल्लाह आसिम साहब और नोमी साहब।
जी आसिम साहब, कितनी देर से बना रहे हैं आप बिरयानी? बिरयानी अभी यार, जब से आए सऊदी अरब में तब से। आसिम साहब का एक बड़ा फनी किस्सा जी, ये बिरयानी के बारे में, जो बिरयानी कैसे सीखी, कब स्टार्ट किया था, जब हम प्रदेश में आए, इनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन वो हम खाने के टाइम शेयर करें। अरे कहना क्या चाहते हो? वो किस्सा देखने के लिए कि आसिम साहब का बिरयानी के साथ क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 3 सालों में जी बिल्कुल आपको पता है, बिरयानी हम वो बना रहे हैं जिसपे टाइम कम लगे, कम लगे, तो ये जो है ना एक आर्टिस्ट टाइप इसको लगता है। वैसे माशाल्लाह आसिम साहब बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे हैं, तो हम सब में ज़बरदस्त कुक हैं आसिम साहब, और इनके हाथों से हमने बहुत ज़्यादा खाने खाए हुए हैं। और नोमी साहब अगर आसिम साहब के बाद हो तो नोमी साहब का नंबर है, तो नोमी साहब वैसे डेली कुकिंग नोमी साहब आजकल कर रहे हैं, तो हम हेल्पर हैं इनके। तो इंशाल्लाह अभी बिरयानी में वो देखे ना, आसिम साहब ने टमाटर डाल दिए चिकन में, तो अभी ये चिकन के मसाला बन रहा है, तो इसके बाद अभी और आधा घंटा लगेगा। जी तो आसिम साहब बिरयानी किधर पहुंची है? बिरयानी बस चावल रेडी हो गए, रेडी है, और चावल भी रेडी है बिल्कुल। अच्छा ये जी चिकन रेडी हो गया, लेयर वाली दम बनाया है। देखने वालों के मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन आप लोग भी घर में बना के खा लेना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जी तो फाइनली बिरयानी हमारी रेडी होके हमारे दस्तरखान पे आ चुकी है, अभी हम इसको ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। बस चेक तो कर ले रहा बिरयानी के साथ हमारे साथ रायता भी है और हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक भी है, और अभी हम बिरयानी एंजॉय करते हैं और फिर आपको बाद में मिलते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। नाजरीन जिवें के तुहानू वादा कीता तुहानू इक स्टोरी सुनाणी हो, हुण आसिम साहब तुहानू स्टोरी सुनाउंदे। स्टोरी ये कि अभी हमने बिरयानी खाया, माशाल्लाह किसे एक स्टोरी याद आया। स्टोरी क्या है, जब मैं फर्स्ट टाइम पे बिरयानी बना रहा था तो मैंने यूट्यूब वगैरह देखे, हाँ बिरयानी इस तरह बनाते हैं, चलो ट्राई करते हैं। होता भी रमजान, तो आपको पता है फिर रमजान में तो और भी चीज़ें बनानी पड़ती है, तैयारी वगैरह काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो मैं बिरयानी बनाता हूँ, और बन देते ही कितनी 17 बन गई माशाल्लाह, पूरा पठानों का डेरा, पूरा पठानों का डेरा ये रियाद में, रियाद 3 साल पहले। तो मैंने कहा कि बिरयानी का सालन बनाया सही बेहतरीन, मसाला सही बेहतरीन मैंने बनाया, चिकन सही ज़बरदस्त माशाल्लाह, लेकिन जब चावल मैंने रखे मैं भूल गया। अच्छा मैंने चलो 75% ये हमने उबालने हैं, बिल्कुल पकाने हैं, इसके बाद जो है ना निकालेंगे, वो मैं भूल गया, वो तकरीबन 170% वो पड़ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
मैंने कहा क्या, मैंने ढक्कन उठाया, देखा यार ये तो खीर बन गया। शाबाश बेटा, हमने तो खीर बन गया। उधर मेरा कजन, मैंने उसको कहा ब्राह्मण, बोलता है क्या, मैंने कहा बिरयानी तो गई। बोलता है क्या हुआ, कहा सालन जो है ना खाओगे क्योंकि उसमें बिरयानी का जायका आएगा बिल्कुल, लेकिन जो चावल है वो तो खीर बना है। बोलता है क्या हुआ, मैंने कहा कि देखो, बोलता है यार ये तो बिल्कुल खीर बन गया। मैंने कहा जाओ देखो ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी मेवा कुछ था दाना लेके आओ, वो फिर लेके आए, सही खीर बनाया हमने, बिरयानी की खीर कन्वर्ट हो गई, खीर कन्वर्ट हो गई। लेकिन खीर क्या, हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी रहते पंजाबी पठान अरबी सब बांध बांध के दे दिए, लेकिन खीर खत्म नहीं हो रहा था। खाना बनाया था आपने भाई, ये सोचो, लेकिन खीर सही जबरदस्त खीर बनाता है ये, वो आपकी पहली बिरयानी खीर थी, बिरयानी जो है ना वो खीर में, खीर में तो वो उसके बाद से आप फिर जनाब बिरयानी। देखो इंसान गलतियों से सीखता है, तो मुझसे वो गलती हुई थी, अब बिरयानी थोड़ी थोड़ी मतलब सीखी है। लेकिन नाजरीन है ही आज की स्टोरी, तो ये स्टोरी जो हम आपको उस टाइम बता रहे थे कि हम खाने के बाद आपको सुनाएंगे स्टोरी, ये स्टोरी थी जनाब जो आसिफ साहब ने आपको सुना दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें आगे शेयर करें, और ये बताना है पहली बिरयानी से आज की बिरयानी में क्या फर्क है। जी बिल्कुल, पहली बिरयानी तो सिर्फ जो है ना आप लोग अंदाजा करो किस्से से जो मैंने स्टोरी बताई, तसव्वुर में जाओ। जी तो इंशाल्लाह आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।